हमारे साथ है ब्यूटीफुल हॉट सिजलिंग वेरी प्रिटी संगीता घोष. हेलो. इस सीरियल में वो पिशाचनी का रोल कर रही है लेकिन किसी भी एंगल से पिशाचनी नहीं लग रही. किसी को नहीं पता कि पिशाचनी कैसी लगती है. दिस इज माई वर्जन ऑफ पिशाचनी. सेक्सी ब्यूटीफुल सैसी. और आप पिशाचनी बोलना भी सुनना भी पसंद नहीं करते. लाइक आपको अच्छा नहीं लगता पिशाचनी तो आप अपने आप को क्या बोलना पसंद करते? बिल्कुल भी नहीं. पिशाचनी क्यों बोलूँ? मैं कौन से ज़माने की नहीं हूँ. मैं एकदम पुराने ज़माने की नहीं हूँ. मैं अपने आप को बोलती हूँ शाचिनी. पी साइलेंट. सो आई एम वेरी मॉडर्न यू से. और ये सीरियल में आपकी एंट्री हुई पिशाचनी के रोल में. जी. तो कितना मतलब सबसे पहले तो मैं आपको ग्लिट्सविजन की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगी. थैंक यू. आपके अब तक के कैरियर के लिए, शादी के लिए और अच्छी लाइफ जीने के लिए. थैंक यू वेरी मच. अब मैं रोल के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपने इस तरह का रोल मतलब जब एक्सेप्ट किया तो आपके क्या थॉट्स थे? जब ये रोल ऑफर हुआ मुझे पिशाचनी का तो एक टाइम तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इसको कर पाऊँगी कि नहीं. वेदर आई विल बी एबल टू डू जस्टिस. अगर कमिट करने के बाद मैं उसको निभा पाऊँगी कि नहीं निभा पाऊँगी. तो दिस वॉज द प्रॉब्लम आई वॉज फेसिंग. बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि इतने करियर में, टेलीविजन के इतने साल के करियर में आई हैड डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन टेलीविजन. सो दिस वॉज समथिंग विच आई हैड नेवर ट्राइड बिफोर. So I told myself, I must go ahead and do it. It's okay, it's fine. Just shock yourself sometimes. It's good to shock yourself also. तो आपको ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा मुझे लाइक ऐसे मुंह बनाने पड़ेंगे डरावने या? नहीं नहीं, इस शो में ऐसा नहीं है कि वो डरावने मुंह बना रही है या ऐसा कुछ नहीं. क्योंकि उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कुछ भी करे उसका सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है. तो बट बड़े प्यार से और बड़े दूसरों को छेड़ती रहती है, टीज़ करती रहती है, दूसरों को टॉन्ट करती रहती है, खूब मज़े लेती है और अपना काम चुपचाप करके निकल जाती है. सो आई लव इट. शी इज़ सो एंटरटेनिंग. और ज़्यादातर देखा गया है कि पिशाचनी हो या डायन हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेते हैं. तो इसके पीछे मतलब कोई खास वजह है? आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या है रीज़न. लेकिन मेरे ख्याल से एक सुंदर चेहरा देखना अच्छा लगता है और ख़ासकर जब कोई इतना डार्क कैरेक्टर हो. अगर कैरेक्टर डार्क है, नेगेटिव हो, तो उसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आई थिंक यू नीड समवन हु इज़ यू नो ब्यूटीफुल और जो अट्रैक्टिव भी लगे साथ में. क्योंकि अगर आपका नेगेटिव रोल आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा तो पॉजिटिव रोल में उतना मज़ा नहीं आता है. आपका नेगेटिव रोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी आपको पॉजिटिव रोल अपनी तरफ खींचता है. और ये इसमें दो लड़कियां हैं जिनकी एक को पावर है लाइक और दूसरी देख सकती है, एक सुन सकती है. तो इन दोनों को आप कैसे मतलब अपने वश में करेंगे? लाइक आप पिशाचनी हैं तो आप नेगेटिव शेड में हैं. तो हमारे दिव्य दृष्टि में दो बहनें हैं जो बचपन में बिछड़ गई हैं, दिव्या और दृष्टि. दृष्टि के पास जो पावर है उससे वो फ्यूचर देख सकती है, उसे दिखाई देता है क्या होने वाला है. और दिव्या के पास जो पावर है वो चीज़ों को बिना छुए, अपने हाथों से बिना छुए चीज़ों को यहाँ से वहाँ हटा सकती है या चीज़ों को सही कर सकती है. तो इन अ वे वो फ्यूचर बदल भी सकती है, अपने मतलब फिज़िकली बदल सकती है. तो ये दो बहुत ही मेजर पावर्स है उनके पास. दोनों बहनें जब एक साथ होती हैं तो इनकी ये जो पावर्स हैं ये मतलब अटमोस्ट लेवल पे होती है. और वो इस्तेमाल भी करती हैं अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए. पर पिशाचनी तो ऐसी है नहीं. पिशाचनी को पावर चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, उसे इनकी वो पावर चाहिए जो पावर्स हैं उनके पास. अब वो पावर लेने कैसे आती है, क्यों चाहिए पावर, वो कैसे पावर्स उनसे हासिल करेगी, करेगी भी कि नहीं करेगी, वो कर पाएगी कि नहीं और क्या करेगी, कैसे ये स्टोरी फॉरवर्ड जाएगी, ये कहानी उसके बारे में है. आप ज़रूर देखिए. और ऑल्सो इसमें, इस कहानी में एक नॉर्मल मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है ये शो. दिव्या की एक लाइफ है, दृष्टि की एक लाइफ है कि दे आर यंग गर्ल्स, काम करने वाली लड़कियाँ, रोमांस भी है, इमोशंस भी है. तो इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ यू नो VFX एंड फैंटसी और ऑल दिस मिक्स टुगेदर इन अ रेगुलर स्टोरी. और आप पर्सनली कितना इंजॉय कर रहे हैं इस रोल को निभाने में? मुझे खूब मज़े आ रहे हैं. मैं यहाँ से वहाँ उड़ती रहती हूँ,
कुछ भी करती रहती हूँ। मुझे इतना पावरफुल दिखाया इसमें कि मैं कभी भी ऐसे उंगली घुमा के कुछ भी हिला देती हूँ, गिरा देती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी आप जयपुर की रानी कहलाती हैं, आपके हस्बैंड वहाँ के राजा हैं, तो पर्सनल लाइफ में कितनी मतलब इंजॉय कर रही हैं आप आपके हस्बैंड? आपकी लव स्टोरी भी काफ़ी फेमस है, तो इस बारे में कुछ बताइए। खैर अभी तो मेरे राजा मुझसे अलग है, वो जयपुर में है और मैं यहाँ हूँ, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें। लेकिन हाँ, जब भी हम साथ होते हैं हम खूब इन्जॉय करते हैं। मेरे हस्बैंड को लोगों को घर बुलाना और टू हैव अ नाइस टाइम, एंड ही इज़ एन एनिमल लवर, तो हम एनिमल्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। खुद पोलो भी खेलते हैं तो ऑब्वियसली, और हमारे पास पेट्स भी बहुत सारे हैं। और मेरी मदर इन लॉ भी जहाँ रहती हैं वो भी अलग किसी जगह रहती है, उनकी अपनी हवेली है वहाँ रहती है, तो हम वहाँ उनसे मिलने जाते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट लाइफ इन राजस्थान, मुझे बहुत अलग लाइफ का एक्सपीरियंस करने मिलता है यहाँ से। आपने कभी सोचा था कि आप कभी इस तरह की शादी करेंगे या इस तरह की जिंदगी आप गुजारेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। शादी तो खैर इट इज़ अ लव मैरिज, और हम ऐसे ही मिले, शूटिंग के दौरान मुलाकात हो गई और फिर वहाँ से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई, और बहुत जल्दी शादी भी कर ली हमने। मतलब उन्होंने बहुत जल्दी प्रपोज़ भी किया, ही वॉज वेरी श्योर दैट ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड, तो फिर जल्दी शादी भी कर ली। और इट्स ऑल डेस्टिनी। संगीता घोष से बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन आपने अपने हस्बैंड में ऐसी क्या खूबी देखी कि आपने फटाक से हाँ बोला? ही हैज़ अ ब्यूटिफुल हार्ट, माई हस्बैंड। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंपल पर्सन, ही इज़ वेरी सिंपल। आप कुछ भी, आप कभी भी उनको देखोगे ना, तो या तो वो एनिमल्स के साथ आपको मिलेंगे, और जो इंसान जानवरों से प्यार करता है ना, वन हु इज़ एन एनिमल लवर, आई थिंक हैज़ टू बी अ गुड पर्सन। तो एंड ही इज़ वेरी वेरी, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ अमेजिंग, मुझे खूब हंसाते हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है उनके बारे में, सो नेचुरली आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो आपको बहुत मिस करते हैं क्योंकि आप बहुत प्रोफेशनल हैं। अच्छा, फाइनली, क्योंकि वो मेरे मुंह पे तो मेरी तारीफ कभी नहीं करते हैं, पर हाँ वो कभी कभी बोलते हैं कि यू आर लड़ी, अपने आपको आमिर खान समझती हो क्या टेलीविज़न का, इतना ज़्यादा घुस जाती हो तुम रोल्स में। तो हाँ, प्रोफेशनल तो हूँ मैं, मिस करते हैं क्योंकि मैं काम को छोड़ के, जब काम एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वहाँ जाना बहुत कम हो जाता है मेरा। फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ही आ जाओ, लेकिन वो भी वहाँ बिज़ी होते हैं तो वो भी इतना आ नहीं पाते, तो हम साथ में ज़्यादा वक्त गुजार नहीं पाते। गुड, यू मिस मी। हाँ, तो वो सीरियल से आपको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, तो आप वो सीरियल को कितना मिस कर रहे हैं? मैं अपना हर शो जब सोचती हूँ उसके बारे में तो मिस करती हूँ, अदरवाइज़ एक बार वो शो ख़त्म हुआ मैं उसे अपने सिस्टम से निकाल के अलग कर देती हूँ। लोगों के साथ मैं डेफिनेटली इन टच रहती हूँ, पर कैरेक्टर को अपने अंदर से निकाल देती हूँ बिल्कुल भी। और आपने इस बीच में कितना स्ट्रगल किया, या आपको मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल किसे नहीं करना पड़ता है, शुरू शुरू में काफ़ी स्ट्रगल किया है, पर आई थिंक स्ट्रगल आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं भी ट्रेन्स में और बसेस में और रिक्शाज में खूब धक्के खाई हूँ, कभी कभी चल चल के भी जाना पड़ता था, और देखती थी बस में बैठ के गाड़ियों को, देखती थी कभी मेरे पास भी गाड़ी होगी, सोचती थी कभी मेरे पास भी घर होगा, सोचती थी। सो आई वॉज फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, तो जो मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स होते हैं वो मैंने भी किए हैं, मैंने भी देखे हैं, पर मुझे पैम्पर खूब किया गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे खूब पैम्पर किया। I learned that it is about your mental state of mind. आप किसी मतलब बहुत कम हो आपके पास तो भी आप बहुत खुश रह सकते हो, तो खुश हमेशा थी मैं। ओके, और ना आपके बालों की बहुत तारीफ होती है, तो मुझे ये जानना था कि आप अपने बालों के लिए कुछ खास करते हैं कि ये कुदरती है? नहीं, मैं अपने बालों के लिए कुछ खास नहीं करती। पहले तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, अब तो काट दिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मैं फ़िश बहुत खाती हूँ और बचपन से बहुत फ़िश खाया है, तो नेचुरली इसलिए मेरे बाल और स्किन दोनों काफ़ी हेल्दी है, और मेरे चश्मे भी नहीं लगे अभी तक। इतनी सारी लड़कियों ने अभी तक टीवी में और फिल्म में डाइन का किरदार निभाया है और पिशाचिनी का भी, आपके हिसाब से बेस्ट कौन?
मैं किसी को भी जज नहीं करना चाहूँगी, सब मेहनत करते हैं और सब अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करते हैं, तो मैं जज नहीं करूँगी, सारे ही अच्छे हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है कि आप बिलीव करते हैं इस चीज़ों में, पिशाच, भूत? नहीं नहीं, मैं भूत प्रेत और इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, ना ही मैं, ना ही हमारा शो प्रमोट कर रहा है उसको। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और दैट्स इट। GlitzVision के जो यूएसए के जो दर्शक हैं उनको आप विश करेंगे? मैं GlitzVision के सारे व्यूअर्स को विश करती हूँ कि आपका दिन और आपका साल सब कुछ अच्छा जाए, यू हैव अ ग्रेट लाइफ, और हमारे शो को देखें और हमारे शो को पसंद करें। हमने खूब एंजॉय किया है बनाने में, आई होप आप लोग भी खूब एंजॉय करें दिव्य दृष्टि देखने में। थैंक यू वेरी मच।